फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। BCA फिफ्थ सेमेस्टर का क्वांट कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स हम शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ब्लॉक वन का हम यूनिट टू सबसे पहले कवर करेंगे। तो इस यूनिट का नाम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो फ्रेंड्स, यूनिट टू है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर माने होता है वन। तो जिस वेरिएबल की पावर वन होगी उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब हमने ये तो देखा कि जिन वेरिएबल्स की पावर वन होती है उन्हें हम लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशंस। जब हम दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस को साथ में देखेंगे तो उसको हम सिस्टम कहेंगे लीनियर इक्वेशंस का। एग्जांपल देखिए, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स, इस यूनिट में हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन से मतलब है कि जो हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का, उसमें हम जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उनसे हम लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके के मेथड्स हैं। एक है डायरेक्ट मेथड और सेकेंड है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर तीन मेथड्स आते हैं। फर्स्ट है क्रामर्स रूल, सेकेंड है गॉस एलिमिनेशन, थर्ड है पार्शियल पिवोटिंग। हमारे पास सेकेंड जो मेथड है, मेथोडोलॉजी है, वो है इनडायरेक्ट मेथड। उसके अंदर दो तरीके के मेथड्स आते हैं, गॉस सिडल मेथड, सेकेंड है जेकॉबी मेथड। तो फ्रेंड्स, ये फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट में क्वांट में आपके ये पाँचों ही मेथड्स रहेंगे जो हम करते हुए चलेंगे एक एक करके। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें। हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।